Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो है मुनव्वर फारूकी का सबसे फेमस, उसका आई थिंक ये सबसे फेमस गाना है मुनव्वर फारूकी का, जिसका टाइटल है नागपाड़ा का राइडर. ये गाने के बारे में मैंने बहुत सुना है एंड नागपाड़ा का नाम मैंने बहुत सुना है मुनव्वर के सारी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज में काफी ज्यादा यूज करता है मुनव्वर. सो देखते हैं ये गाना कैसा होता है. एंड दिस सॉन्ग इज ऑल्सो विथ स्पेक्ट्रा. तो स्पेक्ट्रा के साथ मुनव्वर भाई का ये तीसरा गाना होने वाला है मेरा, जो कि रिएक्ट कर रही हूँ. एंड स्पेक्ट्रा एंड मुनव्वर की जोड़ी सुपर डुपर हिट मुझे लगती है, क्योंकि भाई उनके सारे गाने ही मुझे लगता है सुपर हिट है. सो ये गाने से भी मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ये गाना भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है. सो देखते हैं गाना कैसा होता है. सारी चीजें वीडियो के लास्ट में मेंशन करूंगी, कैसा है, क्या लगा, क्या नहीं लगा, वो सब वीडियो के लास्ट मेंशन होगा. तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से देखना मेरे सारे कमेंट जानने के लिए. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिएगा इसी तरह की अमेजिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए. अगर आप मुनव्वर के फैन हो, अगर आप स्पेक्ट्रा के फैन हो एंड अगर आप शावी के फैन हो, क्योंकि यहाँ पर शावी ने म्यूजिक दिया है, तो भाई यार शावी की भी मैं फैन होती जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि भाई शावी का म्यूजिक जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा अच्छा रहता है. खास करके मुनव्वर एंड स्पेक्ट्रा के गानों में भाई शावी कमाल कर जाता है. सो देखते हैं इस बार शावी का क्या कमाल है. अगर आप शावी के फैन हो या फिर मुनव्वर के फैन हो या फिर स्पेक्ट्रा के फैन हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आएंगे उनके सारे गानों पे रिएक्शन एंड आपको मजा आने वाला है मेरे साथ देखते हुए. तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, देखते हैं गाना कैसा होता है. जल्दी से शुरू करते हैं, हेडफोन पहन लेते हैं. एंड अगर वीडियो आप पसंद आती है यार, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके मुनव्वर फारूकी. भाई मुनव्वर कहाँ है भाई? भाई आई ओवरस्लेप्ट भाई, बस आई. अरे भाई मतलब ये अभी सोने का टाइम नहीं है, यहाँ पे शो भर गया तुम्हारा है, पता है ना शो का तुम्हारा? हाँ भाई हाँ मुझे पता है शो आ रहा हूँ, बस स्पेक्ट्रा का वेट कर रहा हूँ भाई, फोन रखो जल्दी आ रहा हूँ. अरे भाई जल्दी आ जाओ, ये यूट्यूब नहीं है, आपको अभी का अभी आना है यहाँ पे, आप लेट नहीं हो सकते. हाँ भाई पहुँचो जल्दी. वो यूट्यूब नहीं है मतलब क्या? ओयो में क्यों जा रहा है? ओ माय गॉड, गिरते पड़ते क्या हो रहा है? ओ भाई, ओ मुंबई का ताज. मुनव्वर के साथ स्पेक्ट्रा. मेरा ख्वाब जगेगा, मेरी नींद भरी आंखों में आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ, मेरे ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिखना रुके तो दोनों काट देना हाथ. क्या बात है, क्योंकि मेरी बुद्धि तेज, मैंने पाप नहीं किया बस गलती एक, मल्टी टैलेंटेड मल्टी वे जॉब मैं हूं जॉनी से, दिल जीत लिया मैंने जैसे सरदार, हालेलुया तेरी कह के मैं जैसे सरदार खान, सरदार तुझे से लिखे लव लेटर वो बोले मुनव्वर नोबडी डज इट बेटर. चम्मच में खुद से कमाई है, कलाई भर देती सारे पन्ने रो, मैं तेरी वीगन लिखाई तुझे 20 कैलोरीज में बस सड़ रहे तेरे जैसे फालतू लोग. क्या बात है, टूटे नहीं हौसले जैसे हो हर टाइम, तू चलाता रहे एज में भरता सोल्ड आउट शोज, नो किया तो साले मुझसे हाथ ना मिलाना, साथ स्पेक्ट्रा है यार पूरी मॉडल नंबर 1100. स्टैंड अप शो पे मेरे फैंस अप, होते मुश्किलों की धूप मेरा ढूंढी मैंने जाओ, कुछ हैंड्स अप छोटे नहीं टैंट्रम्स, छोटे मुट्ठी की तेरी हिम्मत जो चले तेरे पांव, ये चिकने चीते जैसे चिकने सीख पे, चिकने सीख पे जीना मुकम्मल होगी राइडों पे, हम नाक पड़े के राइडों पे, हाथों में तकदीर चुलाई तो फे, मैं तो आम सा एमसी कॉल मी स्पेक्ट्रा, भाई मेरे कान में के आरएस नसों में मोस्ट डेफ चुमो 69, नहीं मैंने ले लिए भाई साथ फेरे करो कन्यादान, हिप हॉप संग स्वाहा स्याही से भरी है, क्या बात है यार, भरी रैपरों का इंतजाम, दे टॉक अबाउट बिल्स विद योर मॉम हैड वन रियली इंप्रेसिव, मोदी इंडस्ट्री में कैश के फ्लेक्स करे आर्टिस्ट को पैसे दे रहा है, हिप हॉप की है मौकरी दलाल जैसे बीएससी म्यूजिक लेबल है स्कैम, तेरा लेबल हर्षद मेहता है, ओ भाई तेरा गुची वाला मेरा बॉल पेन बटरफ्लो बेटर लेके फैक्स, तू है नार्सिसिस्टिक नर कर शो ऑफ, रैपर लगने लगे हैं मुझे जैकी श्रॉफ, मौशी जी पीकेसी करते हर बार, मेरे लफ्जों का जायजा कैसे बोलेंगे यार, रैपर बोले हार्ड मेरा ये हार्ड मेरा तेरा फेरी वाला फ्लेक्स, तू है लक्ष्मी चिट फंड, नौकरी करा तो काफी आर्टसी बना, मैं बैठा करा तो जावे जाफरी बना, मैं मेरी चाकरी
और चाहतों के बीच था खड़ा हा, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीरें खींचता रहा। नजरें चाहतों पे, ए, ए, हाथों में तकदीरें क्यों लाई तोहफे, ए, ए, ये जलने वाले साइनों पे, ए, 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 जीना मुकम्मल हो साइनों पे, ए, हम बड़े के अमेजिंग। बाप रे, स्पेक्ट्रा का लाइंस यार, आई डोंट नो कि उसने डिस करा क्या करा, किसी लेवल के बारे में भाई उसने बात करी, आई डोंट नो विच लेवल एंड क्या था ये। आई थिंक ये 3 साल पुराना है, सो मुझे नहीं पता इस वक्त कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस लेवल के बारे में ये लोग बोल रहे थे यार कि तेरा लेवल है स्कैम काइंड ऑफ, चीट फंड, लक्ष्मी चीट फंड की बात करी, हेरा फेरी की बात करी उन्होंने, इवन उन्होंने हर्षद मेहता वाला जो एक स्कैम था उसका मतलब रेफरेंस दे दिया कि भाई तेरा जो लेवल है वो उस लायक है, उस टाइप का है, मतलब कि स्कैम करता है लोगों के साथ, एंड जो मतलब लोग रेफरेंस देते हैं अपने गानों में उसके बारे में भी उन्होंने बात करा कि भाई रेफरेंस देते हैं। अब मैं बोल नहीं सकती यार उस वो सारे वर्ड्स। सो भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग था स्पेक्ट्रा से, मैं बहुत इंप्रेस हूँ यार। वड़ा लिखाई यार, वड़ा लिखाई स्पेक्ट्रा, शाउट आउट टू यू भाई, क्या बात है यार, अमेजिंग 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 स्पेक्ट्रा। इसके अलावा मुनव्वर की बात करते, भाई मुनव्वर का भी राइटिंग का ज़्यादा इंप्रेसिव, भाई नोकिया का एग्जांपल दिया उन्होंने, जैसे कि हमारी दोस्ती है नोकिया वाली, एकदम नोकिया 1100 जो कभी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे ज़्यादा पुरानी एंड वो एक मजबूती के मामले में नोकिया 1100 का कोई मुकाबला नहीं था यार, वैसी वाली दोस्ती के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया। ताज वाला रेफरेंस दिया, उनके पीछे होटल ताज था तो उन्होंने ताज का रेफरेंस डाला, आई थिंक इसीलिए उन्होंने ताज के सामने शूट करा ये गाना, आई डोंट नो। एंड जो स्पेक्ट्रा था उसके पीछे इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने जाके भाई इतना थिंकिंग लगा के गाने को शूट करा, नागपाड़ा के राइडर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत दिखाई है इस गाने के अंदर, इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब कोई इंसिडेंसली नहीं हो सकता ये, कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्होंने एकदम गाने के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया होगा भाई साहब। मैं सोच रही हूँ कि सीधे बॉम्बे स्टॉक जहाँ पे उसने चीट फंड एंड ऑल दैट जो रेफरेंस हर्षद मेहता एंड ऑल दैट उनको देना था, स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल दैट सबका रेफरेंस उनको देना था, इसलिए वो वहाँ पे जाके उन्होंने शूट कर, कोई ताज भी पहना दे बेहतर, सक्सेस भी हो जाओ तब भी मैं लिखना नहीं छोड़ूंगा, हाथ कटवा देना, ताजमहल का भी इवन उन्होंने रेफरेंस दे डाला, हाथ कटवा दिए थे ना वो मजदूरों के, वो वाला भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बीट की बात करूँ तो भाई बीट भी शावी का बीट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा इवन इस गाने के अंदर भी, क्योंकि शावी ने एकदम उस तरह से मतलब एकदम ड्रामाटिक टाइप का बीट बना दिया, मतलब ड्रामाटिक टाइप का बीट था शावी का, तो शावी के लिए भी क्लैपिंग बनती है क्योंकि भाई अमेजिंग अमेजिंग, शाउट आउट टू शावी। ओके, तो गाने का प्रोडक्शन किया था मुनव्वर फारूकी, रैप लिरिक्स जो था वो स्पेक्ट्रा एंड मुनव्वर दोनों ने लिखा था, एंड सॉन्ग कंपोज्ड बाय स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ने ही सॉन्ग को पूरा कंपोज किया है विच इज़ रियली नाइस। म्यूजिक प्रोड बाय शावी, गिटारिस्ट बाय प्रतीक्षा, एंड मिक्सिंग मास्टरिंग बाय निश्चय शर्मा। 7 & 7 का मिक्सिंग मास्टरिंग काफ़ी सही रहता है भाई, एक नंबर। डीओपी एंड एडिटर हार्दिक राणा श्वे, एंड स्पेशल थैंक्स टू बलराज घई द हैबिटेट। सो गाने के अंदर इवन उन्होंने दिलजीत सिंह का भी एग्जांपल दिया, जैसे कि बीच में मुनव्वर भाई ने पंजाबी सिंगर का कुछ नाम लिया तो दिलजीत, आई थिंक दिलजीत का भी उन्होंने दिलजीत लू जैसे ऐसे कुछ बोला, तो भाई उसमें दिलजीत का भी नेम रेफरेंस था। इवन मुनव्वर ने बोला भाई मैं हूँ मल्टी टैलेंटेड, मैं हूँ मल्टी टास्कर मेनी वेज एंड जॉनी सिंस, उन्होंने उसका भी नाम डाल दिया, उन्होंने काइंड ऑफ रेफरेंस दिया है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई, मतलब मल्टी टास्कर तो है भाई मुनव्वर, मल्टी टास्कर है, इवन हंसाता है, लिखता है, रैप करता है, कितना कुछ करता है यार। बीट जो था काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रोल प्ले कर रहा था, थोड़ा सा ड्रामाटिक भी था साथ में, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रिल भी लग रहा था बीट में, सो आई डोंट नो क्या था यार ये भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गाना था। तो मुनव्वर ने भी काफ़ी अच्छे रेफरेंस दिए स्पेक्ट्रा का, तो भाई रा जहाँ पे उसने बोला तो भाई मुझे लगता है उसने रफ्तार को डिस करा, स्पेक्ट्रा ने मुझे नहीं पता रफ्तार को डिस करा या फिर सिर्फ नेम ड्रॉप दिया है, मुझे नहीं पता कि क्या इन लोगों का 3 साल पहले कुछ चल रहा था,
आई डोंट नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि उसने रफ्तार एंड रागा दोनों का नेम ड्रॉप किया यहाँ पे. सो आई डोंट नो कि उसने डिस करा लाइटली स्लाइटली, मुझे ऐसा लगा यार कि मैं ऐसे बोला कि उसने मैं रा रा नहीं मैं रागा नहीं काइंड ऑफ इस टाइप से बोला. तो भाई उसने ना बोला, दैट मीन्स कि ही डजंट वॉन्ट टू बी लाइक देम. सो हो सकता है भाई कि ये कहीं ना कहीं छोटा सा इंडेस था. एंड लेवल की बात करूँ तो भाई लेवल मुझे कलमकार लग रहा है. तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई क्या था इसके अंदर डिस, किसका था डिस एंड मतलब क्या कुछ सीन था इन लोगों का ऐसा कुछ 3 साल पहले या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना. बाकी गाने के वीडियो की बात करूँ तो भाई वीडियो भी एक नंबर था, गाने के साथ इतना ज़्यादा मैच मैंने कभी नहीं देखा है भाई. लोकेशन तक भाइयों ने मैच, लोकेशन तक उन लोगों ने मैच करा था गाने के लिरिक्स के साथ. नागपाड़ा का राइडर एंड इवन द हुक पार्ट, नागपाड़ा का राइडर, मैं इस गाने को यार 100 out of 100 देना चाहूँगी. एंड मैं बहुत भाई इसको लूप पे सुन सकती हूँ बिकॉज दिस गाना हैज़ माई हार्ट यार. गाने के अंदर थोड़े से सेक्सुअल वर्ड थे, 69 एंड ऑल दैट, बहुत सारे ऐसे थोड़े बहुत सेक्सुअल वर्ड उन्होंने यूज़ करे जो कि डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे ये गाना बार बार सुनना चाहूँगी क्योंकि भाई इसके अंदर भाई मैजिकल चीज़ें हुई है. मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि मतलब भाई दोनों बंदों ने मिलकर मैजिक करा इस गाने के अंदर कुछ ना कुछ, तो भाई अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मेरी तरफ से डबल थम्स अप मिलता है इस गाने को एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये रिएक्शन और कैसा लगा मुनव्वर का गाना मेरे साथ देख के, मज़ा आया या नहीं ज़रूर से कमेंट करके बताना. एंड ऐसे और रिएक्शन देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा लेना ताकि जब मैं दोबारा से फिर से एक बार इन लोगों के गानों पर रिएक्शन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना, वीडियो मिस नहीं करो. एंड अगर आप कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी ये रही. तो ये वीडियो यही था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये रिएक्शन एंड मेरा ये एक्सप्लेनेशन. अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें. मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय. ये जल